Hello class welcome to my youtube channel Rajin Ghorawal myself Parmeshwar Singh class in this video I am going to provide exercise answers of lesson 10 and lesson name is robotics see take the correct option first question which of these demonstrates the capabilities of computers and also the technological advancement of robotics industry In the world. Means, इन द वर्ल्ड मीन्स इनमें से कौन दुनिया में रोबोटिक इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कंप्यूटर की क्षमता को प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए पेंटिंग ऑप्शन बी स्कल्पटर, ऑप्शन सी साइंस फिक्शन मूवीज ऑप्शन डी गारमेंट्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइंस फिक्शन मूवीज नेक्स्ट क्वेश्चन आर वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोटिव मीन्स इनमें से कौन से प्रकार का रोबोट ज्यादातर यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे कि ऑटोमोटिव ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल रोबोट्स ऑप्शन बी साइंस रोबोट्स ऑप्शन सी इमोशनल रोबोट्स ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल रोबोट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म मेकाट्रॉनिक्स वॉज कॉइंड बाई मीन पहली बार किसके द्वारा टर्म मेकाट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया ऑप्शन ए करेल कैपेकी ऑप्शन बी टेटसुरो मोरी ऑप्शन सी आईजेको ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेटसुरो मोरी नेक्स्ट क्वेश्चन अ ह्यूमन लाइक मशीन दैट कैन डू ऑटोमेटेड टास्क इज कॉल्ड एक इंसानों की जैसी मशीन जो ऑटोमेटेड कार्य को कर सकती है उसे कहा जाता है ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी रोबोट ऑप्शन डी इमोशन सेंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रोबोट नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सर्जरीज आर कंडक्टेड विदाउट हर्टिंग रियल पर्सन मीन्स किस तरह की सर्जरी की जाती है एक रियल पर्सन को बिना हर्ट किए ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल ऑप्शन सी लाइव ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स ऑटोमेटिकली मीन्स इनमें से कौन वस्तुओं को ऑटोमेटिकली डिलीवर करने में सक्षम है ऑप्शन ए सोफिया ऑप्शन बी स्टारशिप टेक्नोलॉजीज डिलीवरी रोबोट ऑप्शन सी कूरी ऑप्शन डी टाफिया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टारशिप टेक्नोलॉजीज डिलीवरी रोबोट सी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन रोबोटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन्स सिंस दे कैन बी प्रोग्रामड टू हैव अर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मीन्स रोबोटिक्स अन्य मशीन से अलग है क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है और इनमें ऑटोनॉमी की क्षमता होती है तो इसका आंसर है ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोट्स आर क्लासिफाइड इन टू सेवन टाइप्स मीन्स रोबोट्स को सेवन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है ये फॉल्स है क्योंकि रोबोट्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड यूजिंग कंप्यूटर्स मीन्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर का प्रयोग करके तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन अ रोबोट डेवलप्ड इन अमेरिका कैन अटैक इंसेक्ट्स मीन्स एक रोबोट जो अमेरिका में डेवलप हुआ है वो इंसेक्ट्स पर अटैक कर सकता है ये फॉल्स है क्योंकि अमेरिका में डेवलप नहीं हुआ था बल्कि इंग्लैंड में डेवलप हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोटिक सर्जरी इनक्रीजेज पेन मीन्स रोबोटिक सर्जरी की वजह से पेन बढ़ता है फॉल्स है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी की वजह से सर्जरी और आसान हो गई है और पेनलेस हो गई है सी फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन अ ह्यूमन लाइक मशीन दैट कैन डू ऑटोमेटेड टास्क इज अ अन्स एक इंसानों की तरह दिखने वाली मशीन जो ऑटोमेटेड टास्क को करती है उसे कहते हैं आंसर है रोबोट नेक्स्ट क्वेश्चन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मींस किसे कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के द्वारा इसका आंसर है ऑटोनोमस नेक्स्ट क्वेश्चन आईसी स्टैंड फॉर आईसी का फुल फॉर्म क्या है इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोट नेम्स वाज यूज्ड टू मॉनिटर एक्टिविटी ऑफ अलास्का माउंटेन स्पर मीन उस रोबोट का नाम क्या था जिसका प्रयोग किया जाता था अलास्का माउंटेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए तो इसका आंसर है डेनट सेकंड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ रोबोट आंसर। A machine that can work automatically and can do some task that a human can do is called robot means वह मशीन जो automatically कार्य कर सकती है और इंसानों के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य को भी कर सकती है इसे कहते हैं रोबोट नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मेकाट्रॉनिक्स मीन्स मेकाट्रॉनिक्स को डिफाइन करिए आंसर, द फील्ड ऑफ मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टुगेदर हैव राइज ऑफ अ न्यू इमर्जिंग सेक्टर कॉल्ड मेकाट्रॉनिक्स मीन्स मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड ने एक साथ वर्क करके एक नए सेक्टर को इन्वेंट किया है और उसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर रोबोट्स यूज इन द फील्ड ऑफ सर्जरी मींस सर्जरी के फील्ड में रोबोट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है एंसर अनम सर्जरी सर्जरी विथ मिनिमम कटिंग और पंक्चरिंग ऑफ स्किन बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ रोबोट मीन्स रोबोट की वजह से ही अनमैंड सर्जरी मीन्स बिना इंसानों के सर्जरी पॉसिबल हो सकी है और ऐसी सर्जरी में कम से कम कट किया जाए इंसान के स्किन को यह भी संभव हो सका है रोबोट की वजह से सी लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ रोबोट्स एंड देर यूजेस मीन्स रोबोट्स के दो टाइप को एक्सप्लेन करिए और उनका यूज भी बताइए फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट आर मेनली यूज इन मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच इज ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रियल रोबोट का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री दीज रोबोट्स आर प्रोग्रामड यूज इंग कंप्यूटर्स मींस इन रोबोट्स को कंप्यूटर का प्रयोग करके प्रोग्राम किया जाता है नेक्स्ट है सर्विस रोबोट्स। सर्विस रोबोट्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक रोबोट्स क्लीन द कारपेट और कट ग्रॉस इन द गार्डन एंड मूव ऑन देयर ऑन मींस सर्विस रोबोट्स जिसमें डोमेस्टिक रोबोट भी आते हैं जो कि कारपेट को क्लीन कर सकते हैं गार्डन के ग्रास को कट कर सकते हैं और खुद चल सकते हैं सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपदा आती है तो उस समय रोबोट का क्या रोल हो सकता है उसे डिस्कस करिए। कैन हेल्प रेस्क्यू टीम्स एंड इवन रिप्लेस रेस्क्यूअर्स टू परफॉर्म डेंजरस मिशन मीन्स रोबोट रेस्क्यू टीम की हेल्प कर सकते हैं यहां तक कि रेस्कुअर्स जो मेंबर होते हैं उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं डेंजरस मिशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रांड रोबोट्स कैन नाउ ट्रैक साइक्लोन्स एंड वेदर कंडीशन मीन्स जो प्रोग्रांड रोबोट हैं अब वो साइक्लोन को भी ट्रैक कर सकते हैं और वेदर कंडीशन को भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इज पॉसिबल टू व्यू इमेजेस फ्रॉम सेटेलाइट ओके मीन्स कंप्यूटर का प्रयोग करके ये संभव हो सका है कि हम सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस को देख सकें नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ रोबोटिक्स गेंड अ वाइटल प्लेस इन इन्वायरमेंटल सेक्टर मीन्स किस तरह से इन्वायरमेंटल सेक्टर में रोबोट ने एक अच्छा प्लेस एक बड़ा प्लेस प्राप्त किया है आंसर रोबोट्स यूजेस लेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस लेस वेस्ट मीन्स जो रोबोट्स हैं वो कम एनर्जी का यूज़ करते हैं और कम वेस्ट जनरेट करते हैं रोबोट्स प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड इमीशन थ्रू केयरफुल मॉनिटरिंग ओके केयरफुल मॉनिटरिंग करके रोबोट पॉल्यूशन और इमीशन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं ऑप्टिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस एनर्जी कंज्यूम्सन ओके और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी कंज्यूम्सन कम हो जाए मिनिमाइज द नीड फॉर लार्जर लेस इफिशियंट मशीन्स और ये ऐसे मशीन्स के रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं जो काफी बड़ी होती हैं और कम इफिशियंट होती हैं इलिमिनेट वेस्ट विथ फीवर ह्यूमन एरर्स एंड बेटर यूजेज कैलकुलेशन ओके और जो वेस्ट निकलता है जो इंसानों के मिस्टेक की वजह से उसे भी कम करके अच्छा कैलकुलेसन करके उसे कम कर सकता है देखिए क्रैक द कोड अब इसे आप ध्यान से सुनिएगा आपके बुक में कुछ कोडेड मैसेज दिया है जिसे आपको डिकोड करना है ओके इसे आप डिकोड कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर Y लिखा हुआ है स्टार्टिंग में Y K V Z लिखा हुआ है ओके तो इसे आप डिकोड इस तरह से करेंगे जैसे Y है तो Y के जस्ट पहले आने वाला थर्ड जो लेटर है अल्फाबेट में उसे राइड करेंगे जैसे y के स्थान पर आप करेंगे w ओके और के के पहले आने वाले आने वाला थर्ड जो लेटर है वो क्या है आई है तो यहाँ पर रैड करेंगे आप डब्लू आई ओके तो इस तरह से डी करके आप इस तरह का मैसेज वहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे जैसे देखिए डब्लू आई हो गया फिर देखिए राइड किया टी मीन्स वी के जस्ट पहले थर्ड प्लेस पर कौन आता है टी आता है तो यहाँ पर टी राइट किया गया फिर जे के जस्ट पहले थर्ड प्लेस पर कौन आता है एच आता है तो यहां पर एच राइट किया गया है इसी तरह से आप सभी का राइट करेंगे तो इस तरह का मैसेज आपको वहां पर मिल पाएगा ओके okay, क्लास इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग